जगतगुरु शंकराचार्य महाराज जी का 97वां प्रकटोत्सव ज्योतिश्वर स्थित आश्रम में मनाया गया। नरसिंहपुर जिले के ज्योतिश्वर स्थित गंगा आश्रम में श्री जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद महाराज जी का 97वां प्रकटोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर हजारों भक्तों सहित मध्य प्रदेश की राजनीति के जाने माने चेहरे मौजूद रहे। महाराज जी के प्रकटोत्सव में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व सांसद दिग्विजय, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति और केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी मौजूद रहे। इस अवसर पर सभी भक्तों ने स्वामी जी का पूजन कर आशीर्वाद लिया। देखिए, भारतीय सेना को और सशक्त बनाने की दृष्टि से सरकार ने यह फैसला किया है। आज हम दूसरे देशों के भरोसे रहते हैं, हम क्यों ना भारत को ही आत्मनिर्भर बनाएं। और इसलिए प्रधानमंत्री जी की कल्पना है कि जब हम अपने संसाधनों से हम प्रयोग करें, ठीक है वो जो ज़रूरी है वो हम बाहर से भी प्रयोग करें, परंतु हमारी कोशिश है कि हम अपने आप भारत के अंदर जितने भी हमारे संसाधन बना सकते हैं वो हम कोशिश करेंगे और इस प्रकार का प्रयास सरकार करेंगे। देखिए, हमने 3 ऐसे वैक्सीन के बारे में अभी टेस्टिंग चल रही है और बहुत जल्दी जैसे भी हमारे वैज्ञानिक है हमको रिपोर्ट देंगे हम मार्केट में लेके आएंगे, परंतु थोड़ा समय लगेगा और जैसा ये अप्रूव हो जाएगा तो सामने आएगा। अभी तक दुनिया में नहीं है परंतु भारत इस दिशा में काफ़ी आगे बढ़ा है। और ईश्वर से प्रभु से ये प्रार्थना है कि अनंत काल तक हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहें और सनातन धर्म को सही दिशा में सही रास्ते पर ले जाने के लिए हमें मार्गदर्शन देते रहें। आज उनके प्रवचनों में उन्होंने इस बात का उल्लेख किया था कि धर्म में राजनीति नहीं आना चाहिए और धर्म जो है वो आस्था का प्रश्न है और सबसे पुराना धर्म कोई है इस विश्व में, दुनिया में, तो वो सनातन धर्म है। और सनातन धर्म में भी सबसे पहली जो किसी भी धर्म की पुस्तिका अगर है तो ऋग्वेद है। इस तरह से उन्होंने धर्म की व्याख्या की थी और सनातन धर्म उसकी परंपराओं का उल्लेख किया था कि सभी धर्मों का सम्मान करना ही सनातन धर्म है। गोटे गांव से अरुण लोधी की रिपोर्ट।